अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। माशाल्लाह पाकिस्तान इंडिया से जीत गया तो बहुत ही यार कहना कि मज़ेदार मैच था। ये नहीं कह सकते कि यार के कोई भी मोमेंट ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान लगे कि यार इंडिया वन साइड खेल रहा है या पाकिस्तान वन साइड जीतेगा। चल झूठा। हाँ स्टार्टिंग में ज़रा हुआ था जब रोहित शर्मा के राहुल ने बैटिंग अच्छी की थी माशाल्लाह, तो लगा नहीं था कि यार विकटें देंगे और कोई बड़ा टारगेट देंगे हमें कोई 220 तक का, जैसे वो सिचुएशन में खेल रहे थे। फिर बाद में वो आउट हुए हैं। तो पाकिस्तान की कल मैंने स्ट्रेटजी देखी ना बॉलिंग की, तो उन्होंने ये सोचा हुआ था कि भाई शॉटें खा लो, स्कोर दे दो, लेकिन विकटें आनी चाहिए। अब ये तो किसी किताब में नहीं। पाकिस्तान ने डिफेंड वाली साइड पर नहीं कि बॉलें बीट करवाएं तो स्कोर की प्रेशर डालें। पाकिस्तान की स्ट्रेटजी है, पाकिस्तान के नाम है स्कोर होने देते हैं विकटें लेते के लिए, तो वही हुआ। पहले उन्होंने अच्छी तरह जो है ओपनिंग ने ओपन बैट्समैन ने अपनी बैटिंग दिखाई, बाद में फिर पाकिस्तानी बॉलर्स भी माशाल्लाह बहुत सही खेले कि जो हमें टारगेट 200-250 तक का नज़र आ रहा था वो बाद में 170 तक पहुँच गया। वो तो आखिरी दो गेंदों में फखर जमान ने दो चौके छोड़ दिए, कैच छोड़ दिया, जिसकी वजह से 180 तक पहुँच गया। वरना ये कि नाम है कहने कि 170 तक मैं सारा टारगेट होना था। तो बाद में विराट कोहली आया, उसने अपनी बैटिंग दिखाई, हालांकि उसकी फॉर्म नहीं वो चल रही सेंचुरी वाली, फिर भी वो 50 करी जा रहा है एशिया कप में अभी तक। रिजवान के बाद तो गालिबान ने उसने हाई स्कोर जा रहा है। तो यार मैं कहता हूँ यार मज़ा तो दिला दिया इन्होंने मैच का, लेकिन पाकिस्तान ने अपना बदला लिया। मज़ा जो आया ना देखने का, पाकिस्तान की बैटिंग देखने का आया यार। बाबर आजम की तो चलो बैड लक चल रही है इस वक्त, क्या बनौती यार की विराट कोहली ने जो हाथ मिलाया और फॉर्म भी चले गई है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है भाई, तेरी मेहरबानी है साडे मुंडे को दो राय यार। तो जिहड़ियां पफियां जफियां करते हैं मैच के दौरान या मैच के बाद, उस काम का नतीजा वा कि बाबर आजम की फॉर्म गई है। जोक्स अपार्ट, लेकिन यह माशाल्लाह रिजवान ने बहुत अच्छी बैटिंग की, रिजवान को क्रेडिट जाता है इस चीज़ का। बाद चो नवाज ने उम्मीद नहीं सी लेकिन बहुत अच्छी बैटिंग की, मैंने पता सी यार बंदा बहुत अच्छा खेलता वा यार, मेरा ना कोई यकीन नहीं कर दिया सी। मैं कहा यार मैंने देखा मुंडे को खेलद मोहम्मद नवाज बहुत अच्छा बैटिंग करता, लोग कंपेयर कर रहे थे महमद वसीम हुंदा, मैं कि यार महमद वसीम नालों इन्हें तो अच्छा परफॉर्म कर लेना, एक बार इन्हें खलोन दो। तो उही गल हुई माशाल्लाह ने बहुत अच्छी बैटिंग की, अल्लाह पाक नज़र बद तो बचाव हूँ सा टीम तो गुरूर या फिर शोखे होने तो बचावे। तो मैं यार आखिरी गेंद तक मैच गया ना, कोई नहीं किया किसी ने नहीं किया कि यार हूँ पाकिस्तान के हाथ में मैच है कोई इंडिया के हाथ में मैच है, लेकिन आवा कि भाई पाकिस्तानिया ने हरदीप सिंह का कैरियर खत्म करता। क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल चल असि की किता उन्हें आप ही कर लिया जरा उन्हें कैच छड़िया था फर्दी का। और बाद चो भाई मैं इंडियन मीडिया लाई है, इंडियन मीडिया तो इस वे ट्विटर से भी टॉप ट्रेंड से जा रहा वो के हरदीप सिंह बाहर कड्डो रॉन्ग सिलेक्शन ये है वो है, इसने कैच हो रहा है इसने मैच हो रहा है। ये है वो है यार, एक फैक्ट बताता हूँ मैं जब भी देखता ना अपना पाकिस्तानी मैं पीटीवी स्पोर्ट्स पे या इंडिया के स्टार स्पोर्ट्स इंग्लिश पे, तो यार बहुत ही आराम से मैच होता है, लेकिन स्टार स्पोर्ट्स हिंदी जो है ना वो इतनी का हाइप क्रिएट कर देता है मैच के लिए कि आप साफ लगा लें कि जब हम लोग देखते हैं ना मैच स्टार स्पोर्ट्स पे, उसी वक्त दिल धड़क ऐसे धड़कन तेज तेज कर देते हैं, वो कहते हैं ओ ये बहुत शान था और कुछ भी नहीं, जो बस सिंगल ही लिया इन्होंने, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी, ऐसी कमेंट्री करते हैं अगला बंदा कहना पूरे जोश के साथ मैच देखता है।
इन्होंने पहले अपनी एडें चलानी होती हैं पाकिस्तान इंडिया की, ये हम हरा देंगे, ये वो ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसके बाद जब मैच का चल रहा हो तो मैच में कमेंट्री के साथ, सिर्फ कमेंट्री के बेस पे इतना कि मैच पे हाइप क्रिएट कर देते हैं कि अगर आप बंदा मैच के बाद अगर हार जाए तो टीवी तोड़ दे। तो वाकई वही होता है यार, हम तो पाकिस्तानी हैं, हमें तो हारने की आदत हो चुकी है। जो हमें पता है कि भाई कुछ नहीं होगा तो पाकिस्तान ने हार जाना है, हमने इतनी इंडिया से हार बर्दाश्त की हुई है। लेकिन यार वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करने देते जो जो है ना स्टार स्पोर्ट्स वाले, वो आगे से आगे आप देखेंगे ना उनके साथ एडें इतनी ऐसी ऐसी चलाएंगे कि पाकिस्तान ये है, बच्चा है, वो है, तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें चलाएंगे जिसकी वजह से ना हाइप क्रिएट होगी। तो मैं बात कर रहा था कि नाम कितनी हाइप क्रिएट करते हैं कि अभी मैंने एक नाम है अभी मीम्स देख रहा था, मीम्स ही हो खैर अल्लाह करे, तो वो किसी ने उसके ना हरदीप सिंह की विकीपीडिया बायोग्राफी में सारी चेंज करके इंडिया की नेशनलिटी चेंज करके खालिस्तान लिख दी है। यार अगर तो ये बात सच है तो यार बहुत गलत बात है। बस ये जो कैच होते हैं ना, ये मैच बिग मैच होते हैं, बहुत बड़े मैच होते हैं, इन मैचों में अगर आपका कोई गलती होती है ना, छोटी सी भी गलती होती है, आपका कैरियर खा जाती है। अब आपको याद होगा 2021 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में हसन अली ने कैच हो रहा था, जिसकी वजह से भाई सब ने उस पर तंकीद की थी कि भाई जो किया आपने किया। हालांकि कसूर सारा शाहीन अफरीदी का था, उसने 3 छक्के खा के मैच हरा दिया, तो कसूर हसन अली का आ गया, उसने भाई कैच हो रहा है। यार ये बॉलर्स के ऊपर होता है, ये जो होता है ना कैच छोड़ना, ये हर बंदे का हर दिन का कोई ना कोई लक होता है जो उसको साथ देता नहीं देता। लेकिन इससे इस पर आप सारा क्रेडिट एक बंदे तो बंदे पर डाल के तो अपनी सारी पूरी टीम साइड पर हो जाती है कि यार हमारा कसूर नहीं था, इस बंदे का कसूर है, इस बंदे ने कैच पकड़ा होता हमने मैच जीत जाना था। अब 2021 का वर्ल्ड कप ये है कि भाई हसन अली ने कैच पकड़ा होता तो हमने वर्ल्ड कप जीत जाना था। यार बात सुनो, ये एक चीज़ आपकी किस्मत में नहीं लिखी है अभी, तो उस चीज़ को क्यों कर रहे हो? अब हरदीप सिंह के एक कैच की वजह से उसका कैरियर कितना तो तबाह हो जाएगा, इतना मुझे गलती है। वो इंडिया है, वो इन चीज़ों को जल्दी माफ़ नहीं करता, ऊपर से है वो सिख, तो ये तो चीज़ वैसे वाकई हो सकती है कि भाई उनके वीडियो विकीपीडिया पर जिसने एडिटिंग की है या फिर तो ये चीज़ में मानने में आती है। बाकी यार भी न्यूज़ सुनने में यार भी रिजवान को MRI के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया है, तो यार वो बंदा जुनूनी है, बहुत ज़्यादा जुनूनी है, उसका तो हम खुश शुक्रिया अदा करते हैं। वो तो 2021 के वर्ल्ड कप में भी ना आ गया था, एडमिट था अस्पताल में, तो बस मैच जीतने मैच खेलने के लिए जिताने के लिए आ गया था। तो अब भी रात को उसने बहुत अच्छी अपनी एफर्ट दिखाई है, उसकी पूरी एक्ट क्या कहते हैं, उसने पूरी जान मारी जीतने के लिए। तो सारा कहने के अगर वो स्टैंड ना हमें ऐसा देता तो वो हमारा मीडिया थोड़ा इतने जोगा नहीं था कि आके वो संभालता, संभालने के बाद मैं जीता था। आपने देखा कल उन्होंने स्ट्रेटजी कैसे चेंज की कि पहले उन्होंने चाचे को भेजा था पिछले मैच में, इस बार नवाज को भेजा है, उनको पता चाचा जो टुल्लर है नवाज फिर भी देख के सही खेल लेता है। तो ये स्ट्रेटजी अगर हमें रिजवान ऊपर से अच्छी पार्टनरशिप ना देता, ना स्टैंड देता, नीचे से हमारा बहुत मुश्किल हो जाना था मैच जीतने के लिए। तो इंशाल्लाह अब फिर रह गया अल्लाह खैर करे श्रीलंका और अफगानिस्तान, ये जो दो टीमें ना ये भी बहुत अच्छी टीमें हैं, इनको हम ईजी नहीं ले सकते, ये भी क्वालिफायर करके आई हैं, तो इनके साथ मैच रह गया अल्लाह खैर करे फाइनल तक पहुँचना है। तो इंशाल्लाह मुझे लग रहा है, उम्मीद है कि पाकिस्तान इंडिया का फाइनल में फिर टाकरा पड़ जाना है, फिर बेस्ट ऑफ 3 होगी, देखेंगे कौन जीतता है कौन हारेगा। अल्लाह के घर से उम्मीद है कि भाई इस बार ईशा कप हमारा है, हमने लेके आना है, हम इंशाल्लाह श्रीलंका को भी शिकस्त देंगे, अफगानिस्तान को भी शिकस्त देंगे और इंडिया को भी शिकस्त देंगे फाइनल में। तो दुआ में याद रखना, सलाम।